नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। इस समय की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है बिहार के दरभंगा से। आपको बता दें कि बिहार के दरभंगा से बड़ी खबर यह है कि वीआईपी सुप्रीमो और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता की दर्दनाक हत्या कर दी गई। अपराधियों ने जो है धारदार हथियार से उनके पिता की हत्या कर दी है। तो बिहार में सीएम नीतीश कुमार की सरकार है, सुशासन की सरकार है। और देखिए, बिहार में जो है अपराधी बेलगाम हो गए हैं। इन दिनों देखा जा रहा, लगातार जो है हत्याओं का दौर जो है एक बार फिर से शुरू हो गया है। क्या बिहार में फिर से जंगल राज आ गया है? क्या हो रहा है बिहार में? अब तो मंत्री के भी पिता सुरक्षित नहीं है। क्या विधायक मंत्री के पिता भी अब बिहार में सुरक्षित नहीं है? ये क्या हो रहा है बिहार में? बिहार में आम जनता तो अपराधियों से डरे हुए हैं, लेकिन अब मंत्री के पिता जिनको हत्या कर दी गई है। बता दें कि मुकेश सहनी जो वीआईपी सुप्रीमो है वो मुंबई में, उनको सूचना सुबह 6 बजे मिली है। वो मुंबई से दरभंगा के लिए निकल चुके, फ्लाइट पकड़ के वो कुछ ही घंटे में दरभंगा पहुंच जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है, क्या बिहार में जो है अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है? देखिए, घटना की जानकारी मिलने पर ही दरभंगा के एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी दलबल के साथ पहुंचे हैं और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। लेकिन आपको बता दे कि जिस जगह पे शव बरामद हुई उनके घर में ही हत्या किया गया और देर रात ये घटना को कहीं ना कहीं अंजाम दिया गया है। धारदार हथियार से उनके शरीर पर कई जगह वार किए गए थे, यहां तक कि पेट के 2 भागों को भी चीरा गया है। साथ साथ अन्य हिस्सों को भी वहां पर धारदार हथियार से जो है शव को काटा गया है। यानी कह सकते हैं शव छत विक्षत अवस्था में उनके घर में ही मिला है। और देखिए, जैसे ही घटना घटी है आसपास के इलाके के जो लोग ग्रामीण है उसका भीड़ जुट गया है। आपको बता दें कि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता 70 वर्षीय जीतन सहनी वो घर में ही रहते थे, यानी कि दरभंगा में रहते थे और घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के जीतर गांव जहां पर उनका घर है वहां पे रहते थे। 10 साल पहले ही उनकी पत्नी का देहांत हो गया था। उनके 2 पुत्र है, एक मुकेश सहनी और एक संतोष सहनी। संतोष सहनी भी जो है वो पटना में रहते हैं। वही बता दें कि उनकी एक पुत्री की शादी भी हो चुकी है जो मुंबई में रहती है। तो देखिए, इस समय की बड़ी खबर और दुखद खबर जो है बिहार के दरभंगा से निकलकर सामने आ रही है। हालांकि जिस प्रकार से घटना हुई है, पुलिस पूरी तरह से जांच में जुट गई है, एसआईटी गठित हो गई है। घटना स्थल पे जो है वो भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंची हुई है। वहां तक की देखा जा रहा है, एक एक चीज को, पहलू को देखा जा रहा है। इसके साथ ही बता दें कि उनके घर के ठीक पीछे एक पोखर है, यानी कि तालाब है, जहां पर घर का जो बड़ा सा बक्सा है उसको फेंका गया है। और बताया ये भी जा रहा है कि उसमें कुछ घर के कुछ सामान भी थे जिसको चोरी भी किया गया है, ये भी बात निकलकर सामने आ रही है। लेकिन किस लिए घटना हुई है यह पुलिस अभी जांच कर रही है। दरभंगा के एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी साफ तौर पर उनका कहना है कि देखिए, मामला को जांच किया जा रहा है, एक एक सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। जो भी अपराधी होंगे वो बक्से नहीं आएंगे, उनकी गिरफ्तारी जल्द ही कर ली जाएगी। तो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, बिहार में सुशासन की सरकार है। तो बिहार में क्या हो रहा है? क्या बिहार में फिर से जंगल राज आ गया? क्या बिहार में एक बार फिर से हत्याओं का दौर शुरू हो गया? ये बिहार में क्या हो रहा है? बिहार में मंत्री के पिता भी सुरक्षित नहीं है। ये बड़ी खबर दरभंगा से निकलकर सामने आ रही है। इस खबर को लेकर बता दें कि अब विपक्ष भी जो है वो सरकार पर हमलावर है। विपक्ष ने साफ तौर पे कहा कि बिहार में ये सुशासन की सरकार में जो है हत्याओं का दौर शुरू हो गया है। बहुत सारी बातें विपक्ष ने कही है। पहले देखिए इस पूरे घटना को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं दरभंगा के एसपी जगन्नाथ रेड्डी और घटनास्थल पे अन्य लोग भी है, उन सभी को बातों को आपको पहले से आपको सुनाते हैं। क्या घटना हुई है और अभी तक तत्काल आप लोगों ने क्या क्या किया है? सुबह सूचना मिला कि माननीय पूर्व मंत्री मुकेश सहनी जी का जो पिताजी है उनका हत्या कर दिया गया है। और तत्काल थानाध्यक्ष बिरोल और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बिरोल घटनास्थल निरीक्षण किए, हमको सूचना दिए, फिर हम भी घटनास्थल पर निरीक्षण कर लिए हैं और एसपी रूरल घटनास्थल निरीक्षण कर लिए हैं। और अभी एसआईटी गठन कर दिया गया, एसपी रूरल काम्या मिश्रा जी उनके नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया है और एफएसएल का भी टीम आ गई है। अभी घटनास्थल में सबूत इकट्ठा कर रही है और हमारा जो टेक्निकल सेल होता है जो मोबाइल एनालिसिस हम लोग करते हैं वो भी टीम आ चुकी है, वो भी काम स्टार्ट कर लिया है। और अगर डॉग स्क्वाड को बुलाया गया है तो अभी वो भी रास्ते में आ रहा है। और जो हमारा सारा जो टीम है, जो एफएसएल टीम, टेक्निकल टीम और डॉग स्क्वाड का टीम और जो हमारा स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, सब लोग हम लोग लगे हुए हैं और इसको त्वरित गति से काम करते हैं, हम लोग उद्भेदन कर लेंगे।
प्रथम दृष्टया हत्या क्यों की गई है, क्या कारण है, क्या किस तरह से हत्या की गई है? हत्या चाकू के द्वारा वार करके किया गया है और अभी हम लोग अज्ञात के ऊपर काम कर रहे हैं क्योंकि अभी अननोन है और हम लोग अगल बगल सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं, टीम लगी हुई है और जो प्रथम दृष्टया जो लग रहा है कि बाकी एक बक्सा बाहर में दिखा है कि जो घर के बाहर एक बक्सा जो अंदर का था उसके बाहर फेंका गया है जो पानी में, उसको भी हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं और वहाँ भी कुछ सबूत अगर देख रहे हैं कि बाहर में कुछ ऐसा सबूत मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है तो हम लोग सारे एंगल पे भी काम कर रहे हैं, ऐसा एक एंगल नहीं छूटेगा, सब एंगल पे काम करेंगे ताकि कुछ क्लू मिले कि हम लोग उसको जल्दी से जल्दी उद्धार करें। अभी तक कोई सर किसी प्रकार का मतलब गिरफ्तारी वगैरह? अभी हम लोग का अनुसंधान जारी है और जैसे आपको अनुसंधान में जो तत्व आएगा तो हम अपडेट करेंगे आपको। पिछले कुछ विवाद का भी सर आप अनुसंधान कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कोई कुछ पहले कोई हर एंगल पे हम लोग अनुसंधान करेंगे, दुश्मनी का, विवाद का और कोई अन्य बिंदु जो भी आते हैं अनुसंधान में हम जांच करेंगे। हत्या किस समय हुई सर, क्या समय देखना पड़ेगा कि हो सकता है लगभग रात का इकट्ठा हो, सुबह सूचना की जो डेड बॉडी मिला जो उनका परिजन देखा है जो स्थानीय लोग उन्होंने सूचना थाना को दिया उसके बाद पुलिस को सूचना मिला। किस छवि क्या था सर उनका? सर जानकारी मिली है कि जो दो लड़के थे उनके साथ रहा करते थे वो जो अनुसंधान में जो आएंगे तत्व, क्योंकि बहुत सारे चीज़ होते हैं कि अब अनुसंधान में तत्व आते हैं तो उसके आधार पर हम लोग काम करेंगे। क्या लगता है प्रथम दृष्टया चोरी, चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया है, चोरी की नीयत से किया है या दूसरे कोई कारण है? अब हम लोग तो हर एंगल पर, जैसे मैं बताया कि क्या चोरी की घटना से एंगल किया हो या दुश्मनी के कारण हो, कोई अन्य कारण भी हो सकता है, तो हम लोग हर एंगल से हम लोग काम कर रहे हैं। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे दरभंगा के एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो भी घटना हुई है इसकी जांच की जा रही है, एसआईटी गठित कर दी गई है। आपको बता दें कि अब जो है 100वीं पोस्टमार्टम होके मुकेश सहनी के घर पर चले आए, यानी कि जीतन सहनी का शव जो है वो पोस्टमार्टम होकर चला आया है और दाह संस्कार की तैयारी की जा रही है। हालांकि कुछ ही देर के बाद जो है मुकेश सहनी भी दरभंगा पहुंच जाएंगे, वो मुंबई से निकल चुके हैं। आपको बता दें कि जीतन सहनी का जहां पर शव मिला है वहां पर तीन गिलास भी मिले हैं, तीन गिलास रखा हुआ था और उसके ठीक पीछे जो तालाब है वहां पर घर का जो बक्सा है वो मिले हैं। हालांकि पुलिस हर बिंदु पर जो है जांच कर रही है। पूर्व मंत्री ललित कुमार भी मुकेश सहनी के घर पे पहुंचे, जीतन सहनी के घर पे पहुंचे हैं और दुख व्यक्त की है, संवेदना व्यक्त की है, बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ रही है। इस घटना के बाद बता दें कि अब आम लोग भी जो है बिहार में, उन लोगों में भी अब डर और भय बना हुआ है जिस प्रकार से घटना हुई है, क्योंकि पूर्व मंत्री मुकेश सहनी अब विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता की दर्दनाक धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। लेकिन यह हत्या किस लिए हुई है हालांकि पुलिस अब जांच कर रही है। पूर्व मंत्री ललित कुमार भी पहुंचकर घटना को लेकर दुख व्यक्त किए हैं।